रामदेव से ये तो पूछ लो 60 साल तू रहेगा या नहीं रहेगा। तेरी उम्र का पुख्ता है, 60 तो हो ही रही होगी, 60 और हो जाएगी, 120 जी रहा है क्या कोई देश में? यूपी से हाफ ठीक है, और बंगाल में साफ, पंजाब में सुपड़ा साफ, समझ रहे हैं? और उसके बाद में सबसे आखिर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सीधा। क्या पतंजलि ने अमृत भी बनाना शुरू कर दिया कि उसे पियो हैं? ये मुगली गुट्टी 555 इनने इतनी पीली की बोतलें खाली कर दी उनकी। रामदेव तो आप ये समझिए कि 2014 से पहले महंगाई इनकी डायन थी, और अब 2021 में इनकी भौजाई लग रही है। एक ने मांगी माफी तो वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। आपको नहीं लगता किसानों को सरकार से बातचीत कर लेनी चाहिए? देखिए, देश के किसानों ने कई दौर की वार्ता करी, देश के किसान ने सरकार के साथ में, लेकिन उस बात का कोई समाधान नहीं निकला। आज देश की सरकार अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त है, और देश की सरकार देश के किसानों की ओर ध्यान केंद्रित बिल्कुल नहीं कर रही है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देश के अंदर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार आज देश के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, देश की सरकारों के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आज आपने अपने चुनावी प्रचार की आड़ में देश के किसान की बात को दबा दिया है। वो 200 से ज़्यादा शहादतें कि आज उनके घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो 200 से ज़्यादा शहादतों का आखिर जिम्मेदार है तो आखिर कौन है? निश्चित तौर पर देश की सरकार है, और देश की सरकार को जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। जब एक एमपी एक बार एमपी बनता है, एक दिन के लिए एमपी बनता है, तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है, तो आखिर एक बात मुझे बताइए, देश के किसानों को इस प्रकार की फैसिलिटियाँ क्यों नहीं मिलती कि उनका कर्ज माफ़ नहीं होता है, देश का किसान आत्महत्या भी करता है, तो आखिर इस देश के अंदर खेती करने का ठेका किसान ने ले रखा है क्या? है कि मतलब देश के तमाम लोग खाते रहेंगे, और आपसे हमसे अगर कोई कह दे फावड़ा उठा ले तो आपको और हमें शर्म आ जाती है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अगर आप और हम देश के किसान का अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और हम इस कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते कि हम देश के किसान के साथ खड़े हों और कंधे से कंधा मिलाकर उसकी लड़ाई में उसका साथ दें। अभी जिस तरीके से पंजाब में चुनाव हारी है बीजेपी, जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, उसके बाद तो आप लोग नहीं कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं, सुनिए, ईवीएम की भी बात करेंगे, पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं। देखिए, यूपी से हाफ ठीक है, और बंगाल में साफ, पंजाब में सुपड़ा साफ, समझ रहे हैं? और उसके बाद में सबसे आखिर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सीधा मुंडन, समझ गई, मुंडन सीधा, पूरा मुंडन। इस बात में आप समझ जाइए, उनके नेता समझ चुके हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आपने ईवीएम की बात करी, ईवीएम में गड़बड़ी के को लेकर देखिए, जिस देश ने ईवीएम को बनाया, इसराइल ने बनाया, और इसराइल उसे बैंड करता है, भारत देश में वो चीज क्यों लाई जाती है जो विदेश में बैंड कर दी जाए? यहाँ के लोगों की जान का कोई कीमत नहीं है, है? कि आप हर चीज यहाँ ले आए, वहां बैंड करी मशीन आप यहाँ ले आए। जब आप शासन सत्ता में पहले थे, आपके नेताओं ने ईवीएम को लेकर इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं, उनको पुस्तकों को आप पढ़ के देखिए कि ईवीएम कैसे हैक होता है, ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है। तो आप अपने नेताओं को भी समझाइए ना, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने, सरकार देखिए हर जगह हार रही है, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में हारने की इनकी स्थिति है, लेकिन ईवीएम में हेरा फेरी इन्होंने पंजाब में इसलिए ना करी हो, हो सकता है कि ये इसकी आड़ में उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हो और बंगाल को जीतना चाहते हो। तो रहे कि जीतेंगे डंके की चोट पे। बिल्कुल, डंके की चोट पे। इनको कैसे पता कि डंके की चोट पे जीतेंगे, ये बताइए ना आप मुझे। एक बात आप सीधे तौर पर देखिए, सारा मीडिया का सर्वे दिखाता है बिहार में कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन वहां नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार में ही था उस टाइम पे इलेक्शन के दौरान, आप ये समझिए जो विधायक जीत गए उनसे उनका सर्टिफिकेट छीना जा रहा है, वो तो एक विधायक लेके भग गया था, लेके भग गया तो उसका बच गया, वो जीत गया उसको सर्टिफिकेट दे दिया चुनाव आयोग ने, वो लेके भग गया वो तो, वरना वो भी हार जाता, आप ये समझिए, उससे सर्टिफिकेट छीन रहे थे वहाँ। तो आप कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा, रामदेव उधर से कहते हैं कि 60 साल के लिए यही राज करेंगे, प्रधानमंत्री के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। रामदेव से ये तो पूछ लो 60 साल तू रहेगा या नहीं रहेगा। तेरी उम्र का पुख्ता है, 60 तो हो ही रही होगी, 60 और हो जाएगी, 120 जी रहा है क्या कोई देश में? क्या पतंजलि ने अमृत भी बनाना शुरू कर दिया
कि उसे पियो हैं, ये मुगली गुट्टी 555 इनने इतनी पीने की बोतलें खाली कर दी उनकी। बताइए ना, आप पूछिए ना उस रामदेव से। रामदेव तो आप ये समझिए कि 2014 से पहले महंगाई इनकी डायन थी, और अब 2021 में इनकी भौजाई लग रही है। अब नहीं है कोई डायन वायन, वो अब इनकी भौजाई है। वो सिलेंडर सर पे टांगे वो कहाँ चली गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्मृति ईरानी जी। अब मंत्री बन गई ना, मंत्री बन गई। पहले आपने देखा होगा 40 किलो वेट था, और अब 80 किलो वेट हो गया अब इनका। अब इनको नहीं नज़र आता, अब कोई इनको कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब तो आप ये देखिए कि देश में कुछ भी स्थिति को आप देख लीजिए, कभी ये कोरोना का ड्रामा रचता है पौने दो आँख वाला, ठीक है, कभी आपने देखा देश के अंदर ये किसानों को लेकर बोलता है, कभी सरकार को लेकर बोलता है। आप ये समझिए कि एक ने मांगी माफ़ी तो वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। और सबको पता है सलवार किसने उठाई और माफ़ी किसने मांगी, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो आप ये समझिए, यहाँ पर सावरकर को मानने वाले नहीं, भगत सिंह को मानने वाले खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। इस देश में महारानी लक्ष्मीबाई को मानने वाले खड़े हुए हैं। हम सावरकर की तरह नहीं है कि दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। और अगर आप बाबा रामदेव जी इतना ही ड्रामा और ढोंग धतूरा रचते हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पतंजलि में कोई ऐसी आई ड्रॉप बनाइए जो आप बताते हैं आई ड्रॉप को, तो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं ये। कभी सर के बल लेट जाते हैं तो कभी सर इनके बल लेट जाता है, समझ रहे हैं। कभी वो फेफड़े दिखाकर योग गुरु है ना, वो योग गुरु है ना भैया, योग गुरु हैं तो पतंजलि का उसका करोना का भी कोई योग बता देते संबित पात्रा को, जिससे करोना बनाई तो थी वैक्सीन। तो वैक्सीन का टीका सबसे पहले अमिताभ बच्चन के लगाओगे या संबित पात्रा के लगाओगे? अमिताभ बच्चन तो वो तो शुक्र मान लीजिए, अभी देश का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है, इनका बस नहीं चल रहा। ये इसकी भी कॉलर ट्यून बना दें, पेट्रोल और डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं, कि आज एक देश बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर। अगर आप अंधभक्तों से पूछेंगे ना पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू करा है। फिट इंडिया के तहत ताकि कोई भी व्यक्ति बाइक और कार ना चला सके, हर आदमी पैदल चले, हर आदमी पैदल चले ताकि उसका पेट भार ना आए, फिट रहे, इसलिए मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। तो हमारे देश में मामूर्खों की कमी नहीं है, ये खूब गरम मसाले में गधे की लीद मिला मिला के खा रहे हैं, तो इनके दिमाग में वही चढ़ा हुआ है। जब तक अंधभक्त रहेंगे तब तक बीजेपी राज करेगी। अंधभक्त तो वहाँ भी थे, आपने देखा था ना अमेरिका में क्या हुआ अभी सरकार जाने के बाद में, व्हाइट हाउस में ऐसे कर रहे थे जब लट पड़ रहा था वहाँ पर, समझ रहे हैं। तो भैया आप समझिए, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले और अंग्रेजों के जूते चाटने वाले, जब अंग्रेज गए ना तो उन्हों की भी जम के पिटाई हुई जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। ये देश हिंदुस्तानियों का है, भारतीयों का है, तो इस देश को बांटने का प्रयास ना करें। और आपने पंगा सुनिए, अगर पुरानी फिल्मों को आप देखें, देवानंद की फिल्म हो गई और या नए तमाम सेलिब्रिटियों की फिल्म हो गई, तो उसमें रोने के लिए आँख में ग्लिसरीन डाला जाता था, जिस कारण आँख से आंसू आते थे। ये कलयुग का झूठेश्वर कुमार आए दिन भावुक हो जाता है, साथ में गुलाम नबी आजाद को भी कर लेता है। एक ही है भाषण जी भी मोदी, और कौन रो रहा है? भाषण जी भी है वो। और कौन है? बेचू जी भी है, देश के प्रधानमंत्री है वो। तो भाषण नहीं देते क्या? भाषण तो देना काम है उनका, भाषण तो देना काम है उनका, भाषण देने के लिए उन्हें बनाया। तो फिर आप काम कर लीजिए, एक काम करिए ना, दो ही काम करते हैं तो भाषण देते हैं, अभी देश घूमते हैं, अभी विदेश जाने का बंद कर दिया है तो यहीं पे जनता को परेशान कर रहे हैं। 2014 से पहले शौचालय बनाए तो हैं, गरीब जनता के लिए शौचालय भी नहीं। अगर आपकी जेब में 5 का सिक्का नहीं है तो आप शौचालय में शौच करने भी नहीं जा सकती, गरीब आदमी बेचारा वहीं परेशान हो लेगा, समझ रही है। गरीब आदमी के लिए शौचालय भी नहीं, उसमें भी 5 रुपए टिकट है, तो आप कौन से शौचालय की बात करते हैं? ऐसे शौचालय कि जिनमें आप पानी नहीं आती, या तो टंकी है तो पानी नहीं आता, और पानी आता है तो टंकी नहीं है। लेकिन जो सोच के वोट दिया जनता ने राम मंदिर, वो तो बना दिया। कहां से जर्नलिज्म कराया आपने? यही मुद्दे आते हैं। आप कह रही हो कि राम मंदिर मोदी ने बना दिया, ना तो मोदी जी की और ना मोदी जी की सरकार की इतनी हैसियत है कि वो भगवान श्री राम का निर्माण करे मंदिर का, कोर्ट ने बनाया है मंदिर को, समझ रही हैं। वरना आप ये समझिए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से पारित किया जाता है ना 300 सांसदों की बहुमत से, ऐसी भगवान श्री राम को फिर कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए? जब आप पे 300 के प्लस बहुमत की सरकार थी, तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और इन सभी भाइयों के
श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े ये बताइए ना आप। कोर्ट ने बनवाया है मंदिर को, सरकार ने नहीं बनवाया। सरकार बनवाती तो पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जैसे रातों रात GST लागू होती है, रातों रात कृषि काले कानून लागू होते हैं, वैसी ठीक उसी प्रकार श्री राम मंदिर का ये पार्लियामेंट में लेके जाती और 300 बहुमत के हस्ताक्षर के साथ भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन करते। आज प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, नई पार्लियामेंट बनाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के इनके कार्यालय बनते हैं, लेकिन वो श्री राम जिसने आपको भी बनाया और मुझे भी बनाया, जिनके आगे आप और हम दोनों हाथ जोड़ के हाथ फैलाते हैं, जिनसे मांगते हैं, आज उनके मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए, उनके मंदिर के निर्माण के लिए ये लोगों से चंदा मांग रहे हैं। सरकार की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करा सकें? तो ऐसी सरकार किस काम की जो सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने के लिए काम करे? है राम को वोट बैंक का धंधा बना लिया है कि हर बार जैसी चुनाव आए आपके बिना नहीं जीत पाऊंगा, राम जी आ जाओ इस बार चुनाव में। है इनका काम ही यही है। और ये भी हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री चुनाव में ये राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास बड़े जोर शोर से करें ताकि ये राम मंदिर के नाम पर दोबारा से वोट ले सके। तो आपको और हमें सोचना होगा और इन तमाम बातों पे विचार विमर्श करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मोहित शर्मा को आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे थे। जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी की हार हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को झटका तो लगा होगा। और जिस तरीके से अब भाजपा सरकार भी EVM में गड़बड़ी होने की बात कर रही है, तो अब शायद समझ आ रहा होगा सभी को कि झोल क्या है। न्यूज मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।